इंदौर की युवती के साथ कानपुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दोनों की पहचान 2021 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई। दोनों के रिश्ते की बात चली, हालांकि उस वक्त युवक के परिवार ने लड़की पसंद नहीं होने का कहकर शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी युवक ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उससे मिलता रहा। मार्च 2022 में युवक ने 4 से ज्यादा बार युवती के साथ संबंध बनाया। थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने बताया कि अक्टूबर 2021 में शादी.com के माध्यम से आरोपी निर्मल राठौर तेज पिता गंगा राठौर निवासी कानपुर की पहचान इंदौर की रहने वाली युवती से हुई थी। एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों के परिवार भी आपस में मिले, तब लड़की के घर वालों ने युवती को नापसंद कर दिया, लेकिन आरोपी निर्मल लगातार युवती के संपर्क में था, उसे बातचीत कर रहा था। आरोपी बेंगलुरु की कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है। लॉकडाउन के बाद से ही अपने घर कानपुर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक युवती युवक के परिवार में जब शादी के लिए मना कर दिया गया तो युवती ने आरोपी निर्मल से बातचीत बंद कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी लगातार पीड़िता से फोन पर संपर्क करता रहा। उसने कई बार युवती से कहा कि शादी केवल तुझसे ही करूंगा, इस कारण युवती उसकी जांच में आ गई। मार्च 2022 से लेकर अब तक आरोपी कई बार कानपुर से इंदौर आया, विजयनगर थाना क्षेत्र की होटल में 4 से अधिक बार संबंध बनाए। कुछ दिनों बाद युवती ने आरोपी से शादी की बात कही तो निर्मल ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है।